राधे राधे गुरु जी। जी भाई, मेरी वाइफ आपकी बड़ी तारीफ करती है। अच्छा। हाँ, और वो ही मेरे को ऐसी कंडीशन में मैं आपका मतलब आपके पास दर्शन करवा के लेने आई लेके अच्छा। आई है। तो क्या हो गया आपको? मेरे के पाँव में है वो क्या, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया बचपन में। ओहो। तो उससे वो क्या, ये साइड थोड़ा जाम हो गया है। फिर उसका इलाज? इसका इलाज तो मैंने खूब करवा दिया, लेकिन अब इतना है थोड़ा हल्का फुल्का चढ़ सकता हूँ। ये देखो, ये डाल लिए, ये लो। खुश? तो मैं हल्का फुल्का चल सकता हूँ। हाँ हाँ। लेकिन फिर भी ये आपके दर्शन के लिए मेरे को लेके आइए आपके लिए। अब आप आशीर्वाद दो, हम कल जयपुर जा रहे हैं। अब मेरे दो बच्चियाँ हैं, सब कुछ अच्छा हो जाए। तो जयपुर आप लोग कथा सुनने जा रहे हैं? नहीं, जयपुर ही रहते हैं। अच्छा, जयपुर ही रहते हैं। चलो, इसलिए आप चल नहीं पाते, इसलिए ठाकुर जी हम ही भेज रहे हैं। चलो वहीं सुना के आओ। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आपके पास आ रहे हैं। हाँ सर, खुश रहिए, भगवान सुखी रखे। महाराज जी को प्रणाम करते हैं जी। नमस्कार। जब से हमने आपके, 2 साल से हमारी घरवाली आपके यूट्यूब पे भागवत सुन रही हैं, तो आपसे मिलने के लिए यहाँ पे मौका मिला वृंदावन में कि वृंदावन चलते हैं, सीधी लाइव देखेंगे। तो आपके यहाँ पे आए, हमको बहुत अच्छा लगा। हम रहने वाले ग्वालियर के। यहाँ क्या अच्छा लगा आपको? हमने आप सबसे जाना, हमको वृंदावन में अच्छा लगा रहने और घूमने में जाना अच्छा लगा। प्रेम मंदिर है आपके आश्रम पे, तो 2 दिन से रुके हैं यहाँ पे हम, आपसे मौका नहीं मिला मिलने के लिए। चलो अच्छा, माताओं का दर्शन किया। महाराज जी राधे राधे, खुश रहिए। आपके आश्रम पे ऊपर भी गए थे ब्रज माताओं के यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। जब से आपकी हमने कथा सुनना शुरू की है तो हमारे घर में सुख शांति होगा हो गई, और हमारी माता पिता माता हैं वो भी अच्छे से रह रही हैं, और घर पे सास बहू में कभी लड़ाई नहीं होती अब। अच्छा। हाँ, कथा सुनते रहेंगे तो सास बहू में लड़ाई हो ही नहीं सकती, मैं होने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल लड़ाई नहीं होती। भैया के यहाँ पहुँच भी आती हैं, मामा के यहाँ चली भी आती हैं, तो आ जाती हैं, बुला लेती हैं अपने आप की, तुम आ जाओ मम्मी। कोई भी सास बहू लड़े तो ले आना मेरे पास। ठीक, धन्यवाद, खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे। झगड़ा मुक्ति हॉस्पिटल खोलूंगा मैं। महाराज जी एक दिन ठाकुर जी मेरे सपने में आए थे। कौन? ठाकुर जी। ठाकुर जी आए जी। अच्छा, तो मतलब कुछ बोला तो नहीं लेकिन दर्शन हो गए। हाँ, तो दर्शन बहुत है। और मेरा यहाँ आने का मतलब आपसे मिलने का है, बहुत दिन से चाहती, और अच्छा लगा आपसे मिलकर। आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी फिर आए। बिल्कुल जल्दी आइए। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हम क्या बोले आपको देखकर, बस ऐसा लग रहा है बस आपको कान्हा जी के रूप में आपको ही देखते थे हमेशा। आज अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि हमने आपको देख लिया। कर लीजिए विश्वास। कोई सवाल है आपका? गुरु जी हमारे घर में झगड़ा बहुत होता है। क्या? हमारे घर में झगड़ा बहुत होता है। किससे? मेरा एक भाई है, वो हमेशा उल्टा सीधा बोलता है, बस आपकी कथा बहुत सुनता है पर पता तो आप भाई बहन का खूब झगड़ा होता है। नहीं, वो मुझसे झगड़ा करे पर मेरे घर वालों से नहीं, पापा मम्मी से नहीं। तो किससे? आपसे करता है? आपसे करता है। वो कहाँ है? वो नहीं आया है। लेके आना, हम समझाएंगे। आप बस आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। बिल्कुल। तो आप भाई बहन लड़ती हैं खूब हैं? वो वही लड़ता है, पता नहीं क्या हो गया उसको। ले आना, हम समझाएंगे उसको, खुश रहिए। जय श्री नारायण महाराज जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी। मैंने आपकी कथा ने मेरे को जीना सिखा दिया। मैं डिप्रेशन में चली गई थी महाराज जी। हमारा 26 साल का बेटा एक्सपायर हो गया था। अच्छा, क्या हो गया था उसको? वो पति पत्नी का झगड़ा था। तो पति पत्नी के झगड़े में बेटा चला गया। बहू कहाँ है? बहू को उसको 4 महीने का बच्चा पेट में था, उसने बच्चा भी गिरा दिया और पोती को लेके अपने घर चली गई, मम्मी के साथ रहती है। तो बेटा चलो, हम दोनों पति पत्नी रहते थे, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। जब से मैंने फिर पहला लॉकडाउन लगा ना, फिर रिश्तेदार भी बंद हो गए आना और पड़ोसी भी घर आना बंद हो गई। तो मैंने एक दिन आपसे अचानक से आपकी टीवी में कथा देखी, तो मैंने फिर एक दो दिन अच्छा नहीं लगा, फिर देखते देखते मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को सब भूल गई, मैं छूट गया मेरा सब कुछ, बस सिर्फ एक आपकी कथा ने मेरे को डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया। वाह।
देखिए कितना बड़ा योगदान है कथा का, लोगों के जीवन में कितनी सुख की अनुभूति हो रही है कथा से। मैं जीऊंगी महाराज जी, आपकी कथा नहीं छोड़ूंगी, आपकी कथा को छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगी। हम 3 अगस्त को भी आए थे, आपसे बात नहीं हो पाई। बिल्कुल, 3 साल से मैं आपको टीवी पे देख रही हूँ। महाराज जी मैंने 2 चीज मांगी थी ठाकुर जी से, मुझे दोनों मिल गई। क्या क्या मांगा आपने? मैंने ठाकुर जी से बोला था कि मैं जीते जागते की सेवा करूंगी। दुनिया तो मूर्ति पूजा करती है, ठाकुर जी मैं आपकी जिंदे जागते की सेवा करूंगी। जैसे एक दिन आपने एक माता जी को बताया था, किसी का बच्चा नहीं था, तो आपने उसको चिट्ठी लिखनी बताई थी, तो मैंने वो चिट्ठी लिख के ठाकुर जी के मंदिर में रख दी। उसके तुरंत 1 साल बाद मेरी बेटी को दूसरा बेटा हो गया और उनकी सास ने मेरे से बिना मांगे दे दिया, कह रही है ठाकुर जी तुम्हारे नाम का आया। वाह। और मैंने भागवत की पोथी पाठ रखवाई है। मैंने ठाकुर जी से बोला था कि अगर हमारे पास कुछ जीने का सहारा मिल जाए तो मैं बहुत ही पाठ कराऊंगी। वाह, देखिए भागवत जी ने सब कुछ दिया, जो मांगो सब कुछ देती है, इसलिए जय श्री मन्ना। महाराज जी मैं बच्चा पीछे उसको आशीर्वाद दो ताकि मैं आपके सेवादार बनाऊं, इसको आपके। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान खूब सुखी रखें आप सबको।